करेंगे ओडा ब्रिज पर ब्लास्ट प्रकरण की। उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक को दुरुस्त किया गया है। एनआईए, एनएसजी और राजस्थान एटीएस के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। आईजी उदयपुर प्रफुल्ल कुमार से खास बातचीत की हमारे सहयोगी सत्यनारायण ने, लेकिन तस्वीरें उससे पहले जरा देख लीजिए। उससे पहले तस्वीरें जरा देख लीजिए किस तरीके से वहां जांच के लिए अलग अलग अधिकारी पहुंचे। न सिर्फ एनआईए पहुंची बल्कि एनएसजी पहुंची है, एटीएस पहुंची है, क्योंकि इस पुल को प्रधानमंत्री मोदी ने 13 दिन पहले ही जनता को समर्पित किया था और 13 दिन के बाद ही किस तरीके से वहां ये घटना घटती है, इसको आतंकी एंगल से भी जोड़कर देखा जा रहा है, नक्सली एंगल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि जरा सोचिए, अगर इसके ऊपर से ट्रेन गुजर जाती और ये विस्फोट करता तो भारी मात्रा में नुकसान हो सकता था। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा ने, जरा आप भी देखिए। उदयपुर अहमदाबाद के इस ओडा ब्रिज पर फिलहाल एनएसजी कमांडो पहुंच चुके हैं। एनएसजी, एनआईए और एटीएस संयुक्त रूप से इस पूरे पुल का निरीक्षण कर रही है, क्योंकि हम दिखाना चाहेंगे आपको, ये वो ओडा ब्रिज है। करीबन 35 मीटर की इसकी ऊंचाई बताई जा रही है। इस ब्रिज के नीचे के हिस्से के अंदर करीबन 15 से अधिक डेटोनेटर लगाए गए थे। वो डेटोनेटर की क्षमता इतनी थी कि उन्होंने रेल की पटरियों को भी उखाड़ दिया। माना जा रहा है कि इस घटना के अंदर आदिवासी नहीं हो सकते बल्कि ये आतंकी कनेक्शन इनका घटना का हो सकता है। ऐसे में पुलिस की टीमें यहाँ पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है घटना की सुलझाने की, कि किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया और किस प्रकार से इस घटना को सुलझाया जाएगा। उम्मीद करते हैं राजस्थान में इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो, ऐसे में इस घटना को, इस वारदात को खोलना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं राजस्थान पुलिस, एटीएस और एनएसजी इस पूरे घटनाक्रम का जल्दी पर्दाफाश करेगी। मेरे सहयोगी यश माथुर, सत्यनारायण शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, उदयपुर। मामला और ज्यादा गंभीर, क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था कि शायद एक या दो डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया होगा, लेकिन जिस तरीके से हमारे सहयोगी सत्यनारायण बता रहे हैं, 15 डेटोनेटर लगाए गए थे। इस पूरे ब्रिज को एक तरीके से उड़ाने की कोशिश की गई थी और शायद उनको इस तरीके से रखा गया होगा कि जब ट्रेन वहां से गुजरे, जो वहां से गुजरने का वक्त, उस दौरान ये ब्लास्ट हो और फिर एक भारी नुकसान हो। गनीमत यह रही कि ट्रेन यहां से 15 मिनट पहले गुजर चुकी थी और उसके बाद डेटोनेटर ब्लास्ट होता है, जिसमें बाकायदा पटरियां क्रैक आती हैं और उसके अलावा भी इस पुल को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और यही वजह है कि इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। एटीएस पहुंची है, एनएसजी पहुंची है, एनआईए पहुंची है, जांच वहां की जा रही है। राजस्थान पुलिस पहले दिन पहले वक्त से मौके पर मौजूद। हालांकि राहत की बात यह है कि इतना क्षतिग्रस्त यह ट्रैक नहीं हुआ कि इसको लंबे वक्त के लिए बंद किया जाए, और इसलिए बाकायदा इसको दुरुस्त किया गया और आज इस पर ट्रेन चली है, ट्रेन इस पर चली है। लेकिन यह एक गंभीर समस्या है। उदयपुर के अंदर बीते कुछ महीनों में जिस तरीके से घटनाक्रम हुए हैं, फिर चाहे वो कन्हैयालाल प्रकरण हो जो महज 4.5 महीने के आसपास पहले हुआ है, और उसके बाद ये प्रकरण हो, इसके अलावा भी असंतोष काफी रहा है। बीते 1-2 सालों की बात की जाए तो कई बड़ी घटनाएं वहां घटी हैं। इधर ध्यान देने की जरूरत की आखिर ऐसा क्या कि लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि बाकी इलाकों से आतंकी घटनाओं को कम किया गया है, नक्सलाइट घटनाओं को कम किया गया है, और शांत प्रदेश राजस्थान में अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो उस पर गंभीरता से जांच होनी चाहिए और इसको क्रैक किया जाना चाहिए। आईजी उदयपुर प्रफुल्ल कुमार से खास बातचीत की हमारे सहयोगी सत्यनारायण ने, जरा सुनिए। उदयपुर अहमदाबाद रेलवे पुल पर बने ओडा ब्रिज पर हुए विस्फोट के बाद में खुद आईजी उदयपुर प्रफुल्ल कुमार जी वहाँ जाके आए हैं, पूरी चीज़ को समझ के आए हैं, बात करेंगे इनसे। सर, वर्तमान में जाने तो क्या कुछ हालात जाना चाहिए? देखिए, बेसिकली जो ये कल की घटना हुई है उसको लेकर के पूरी संजीदगी से कार्रवाई चल रही है। जैसा आप देख रहे हैं, अपने एटीएस के भी आईजी साहब आए हुए हैं और एनआईए से भी आए हैं, और एनएसजी के जो एक्सप्लोजिव टीम एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी आज मौके पर कार्रवाई की है। आसपास जो घटनास्थल के आसपास जो कुछ सेटलमेंट्स हैं उनसे भी हमारी टीम जो है कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है।
अभी बहुत प्रारंभिक स्तर है और हमारे FSL ने भी जो नमूने हैं साइट से वो सारे कलेक्ट किए हैं, जल्दी ही उनकी टीम भी मिलेगी ताकि एक्सप्लोसिव का निर्धारण हो सके और जो ट्रैक को रिस्टोर करने का काम वो उन्होंने कर लिया है और हमारे जो टीमें इसमें स्थानीय पुलिस की वो कार्रवाई कर रही है। सर काफ़ी लंबा अनुभव आपको, आप खुद ATS में रहे हुए हैं, क्या लगता है आतंकी एंगल हो सकता है? सर देखिए बहुत प्रारंभिक होगा, अभी किसी भी एंगल के ऊपर लेकर के कमेंट करना, डेफिनेटली जो इस तरह की घटना हुई है तो हर एंगल से इसको एग्जामिन करना बनता है और अभी किसी एक पर्टिकुलर माइंडसेट से ना जा करके हम ओपन माइंडसेट से इसकी इसको गंभीरतम घटना मानते हुए और उसी गंभीरता से हम इसकी सारी तह खोलने की कोशिश करेंगे। सर अभी तो कोई FIR दर्ज हुई इस मामले में? FIR दर्ज हो चुकी है जावर माइंस पुलिस स्टेशन में, जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनके तरफ से FIR दी गई है, तो जो संबंधित धाराएँ होती हैं एक्सप्लोसिव एक्ट और दूसरे पब्लिक डिसरप्शन एक्ट एंड डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एंड UAP एक्ट, उन सभी में मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। सर अभी तक कोई डिटेन किया हो किसी को? नहीं अभी कोई डिटेंशन अभी नहीं हुआ है, अभी बहुत प्रारंभिक स्टेज है, इस तरह की घटनाओं में थोड़ा टाइम लगता है तो, बट हमारी टीम्स इस पर हैं, विकास शर्मा जी कल से ही इसमें काफ़ी गहनता से काम कर रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम सही ट्रैक में। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये थे IG उदयपुर विकास, SP साहब भी साथ थे और IG उदयपुर प्रफुल्ल कुमार जी का साफ कहना था कि जो घटना हुई हालांकि हर एंगल से जांच की जा रही है, चाहे वो आतंकी एंगल हो चाहे वो दूसरा एंगल हो, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार किए जाएंगे जिससे कि ऐसी घटना राजस्थान में दोबारा ना हो। मेरे सहयोगी यश के साथ सत्यनारायण शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज उदयपुर। ओडा ब्रिज के पास से हमारे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, कितने डेटोनेटर लगाए गए थे और जो डेटोनेटर लगाए गए थे उनके बारे में जानकारी लग पाई कि ये कौन से डेटोनेटर हैं? करीब 15 से अधिक डेटोनेटर लगाए गए थे और बताया जा रहा है कि 90 श्रेणी का जो बारूद था वो इसके अंदर इस्तेमाल किया जा रहा था, जो बारूद माइंस के अंदर काम में आता है उस बारूद का इस्तेमाल किया गया था और माना जा रहा है कि धमाका इतनी तेज था कि आसपास करीबन 5 किलोमीटर के दूर तक गाँव में उस धमाके की आवाज़ साफ सुनाई दी थी। हालात ये हैं, हम जहाँ जाके हैं हालात ये हैं कि जो लोग हैं स्थानीय लोग हैं काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि अगर ये पुल उड़ जाता उसके बाद में ट्रेन आती तो एक बहुत बड़ा हादसा होने की संभावना थी, लेकिन शायद ईश्वर की दया थी कि ग्रामीणों ने ये पूरा वाक्य देख लिया और कुछ युवा आगे आए और मुखेर पहुंच गए और इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा बड़ा हादसा होने से पहले ही हो चुका था। अभी खुद IG प्रफुल्ल कुमार जी का साफ कहना है कि हर एंगल से जांच की जा रही है, लेकिन जो ग्रामीण लोग बता रहे हैं, जो वहाँ के स्थानीय बाशिंदे बता रहे हैं कि ये पूरा आतंकी एंगल है, इसमें जिस प्रकार से डेटोनेटर लगाए गए हैं, जिस प्रकार से NSG कमांडो से हमारी बात हुई, उनका साफ कहना है कि कोई शख्स जो काफ़ी माहिर होता है इस प्रकार के बारूद लगाने के अंदर, उस शख्स ने इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया है। हालांकि इस घटना में किसी भी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन फिर भी NSG कमांडो, NIA के अधिकारी, ATS के अधिकारी, खुद लोकल पुलिस, जयपुर पुलिस और उदयपुर पुलिस, तमाम जो पुलिस है वो इस कार्य में लगी हुई है कि इस घटना में कौन कौन संलिप्त है उनकी गिरफ्तारी तुरंत की जाए। विजेंद्र सत्यनारायण, क्योंकि उदयपुर को हम बीते 1.5-2 साल से देखते हैं तो कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने उदयपुर को अस्थिर किया है, चाहे वो कन्हैयालाल प्रकरण हो, इससे पहले चाहे दंगे भड़कना हो और अब ये ब्लास्ट का घटनाक्रम। आपको कुछ नई चीज़ें वहाँ दिखाई दे रही है कि लोगों के अंदर असंतोष है या उनको भड़काया जा रहा है किसी चीज़ को लेकर? देखिए इंद्र, उदयपुर की हम बात करें तो झीलों की नगरी है, पर्यटक स्थल है, काफ़ी बड़ा पर्यटक स्थल है, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर्यटक आते हैं, लेकिन जो बीते साल में हम देखते आ रहे हैं, पहले दंगों की बात हो, उसके बाद कोरोना आ गया, उसके बाद में कन्हैयालाल हत्याकांड हो गया, उसके बाद में अब ये नया जो सामने आया है रेलवे ट्रैक पर विस्फोट होना, तो लगातार जो उदयपुर की जनता और उदयपुर पुलिस लगातार अपराध और अपराधों से लगातार जूझ रही है और यही कारण है कि उदयपुर के अंदर इस बार पर्यटकों की संख्या काफ़ी कम है। लेकिन जो वर्तमान में जो गतिविधि हुई है उसकी बात करो, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने ही अपने दर्शकों को बताया था कि एक इस प्रकार की घटना हुई है, खुद हमारे जो साथी नारायण जी थे वहाँ मौजूद थे। नारायण जी, किस प्रकार की घटना हुई, क्या खुद देखा था आपने? देखिए कि शनिवार शाम को 7:30 बजे के आसपास जो उदयपुर से 5 बजे ट्रेन निकलती है उसके निकलने के जस्ट आधे घंटे बाद में धमाका हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि जिससे धमाका इतना ज़बरदस्त हुआ कि घर के अंदर जो बर्तन थे वो तक गिर गए,
फिर रात को सर्दी की वजह से क्या ग्रामीण घरों में दुबक जाते हैं। सुबह कल जब रविवार को सुबह जाके देखा तो रेल की पटरियाँ टूटी हुई थी, लोहे की चादर जो थी वो उखड़ के कम से कम 7 से 6 7 फीट ऊपर आ गई थी। इसके बाद में कई एंगल देखे तो लोहे की पटरी जल टूट चुकी थी, बारूद के टोटे ऐसे बिछाई गई थी कि पटरी के दोनों के बीचों में डाला था, और फिर वहाँ से जैसे ब्लास्ट किया जैसे 3 से 4 इंच की मोटी चादर थी उसको भी छेद करते हुए वो निकल गई। बताऊँ आपको कि जो डेटोनेटर थे उसमें इतना भारी संख्या में बारूद था कि उस बारूद ने रेलवे की जो मोटी पटरी होती है उसको भी उखाड़ दिया था। यानी कि अगर रेलवे आने से ट्रेन आने के वक्त अगर ये हादसा होता तो करीबन हज़ारों की संख्या के अंदर जाने जाती, लेकिन ईश्वर की सहायता मान लें या फिर ईश्वर की आशीर्वाद मान लें कि बड़ा हादसा नहीं हो सका, बल्कि इससे पहले ही ग्रामीणों ने इस वाक्य को देख लिया और पुलिस को सूचना दे दी। तमाम पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुँच गए। डेटोनेटर तब तक ने फिलहाल वर्तमान के अंदर NIC कमांडो आए हुए हैं, NIA की टीम आई हुई है, FSL आई हुई है, सबूत लिए जा रहे हैं, जो बारूद है उसका नमूना भेजा जा रहा है केंद्रीय लेबोरेटरी भेजा जा रहा है, जिससे पता लग सके आखिरकार ये बारूद कौन सा बारूद है। बताया जा रहा है कि 90 श्रेणी का ये डेटोनेटर बताया जा रहा है, जो काफ़ी बड़ी संख्या में अगर एक मकान के अंदर एक मंजिल मकान के अंदर अगर एक डेटोनेटर लगाते हैं तो पूरा मकान को बिल्कुल धूल में लग सकता है। तो इतनी बड़ी शक्ति थी इसके अंदर, इसीलिए जो इतनी बड़ी मोटी पटरी थी लोहे की वो भी अपनी जगह से हिल चुकी थी। लेकिन फिलहाल हमें इंतजार करना होगा कि इसके अंदर कार्रवाई का किस प्रकार कार्रवाई पुलिस आई करती है। बिल्कुल सत्यनारायण, शुक्रिया, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा।